हमारा लास्ट लेक्चर रह गया है IMNCI का, और उसमें हमने लास्ट में यही देखा था कि आपके पास जो डिजीज़ थी डायरिया वाली हमने देख ली, ARS जो हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थे वो हमने देख लिए, हमने देख लिया उसको कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद दो डिजीज़ थी मीजल्स एंड मम्स एंड वैक्सीन रिलेटेड डिजीज़, ठीक है। अब जो लास्ट चीज़ आती है वो आपके ORS से रिलेटेड है, और मैंने आपको बताया था कि ORS और ORT में क्या डिफरेंस होता है, वो आपने अच्छे से याद कर लेना है कि ORS जो है दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, और ORT क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है। ORS एक्चुअली सॉल्ट होता है आपका, और ये जो होती है ये आपकी टेक्निक होती है जिसमें आप तीन चीज़ें जो है वो यूज़ करते हो जिससे पेशेंट जो है वो ठीक होता है डायरिया वाला। उसमें क्या आता है हमारे पास, ORS आता है, उसमें हमारी ब्रेस्ट फीडिंग आती है, और उसमें हमारी वीनिंग आती है, ठीक है। जबकि ORS जो होता है इसमें आपकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, और दूसरा आपका जो है वो सिट्रेट होता है, ठीक हो गया। अब हमने जो है वो डायरिया के ट्रीटमेंट में देखा था कि मदर को जो है वो काउंसिल करना होता है कि आपने जो है ना ORS जो है बच्चे को पिलाना है रिहाइड्रेशन में, उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, इम्यूनाइजेशन हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, हाइजेनिक प्रैक्टिसेस वगैरह हमने करनी होती हैं। लेकिन ORS जो है वो घर में बनाने का तरीका भी मदर को सिखा के भेजना होता है, ठीक है। एज अ डॉक्टर आपको आना चाहिए, तो वो कैसे बनाएगी मदर, ठीक है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हों, सो दीज आर योर इंग्रेडिएंट्स। इसमें जो है आपका इस्तेमाल होगा सॉल्ट यूज़ होगा, शुगर यूज़ होगा, और आपकी जो है क्लीन वाटर यूज़ होगा, ठीक है। वाटर आपने कितना लेना होता है, आपने 1 लीटर पानी लेना होता है, ठीक है, जो कि आपका इक्वल होता है 4 कप्स के इक्वल, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपने सॉल्ट लेना होता है वो 1 टेबल स्पून लेना होता है, ठीक है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट लेना होता है, और 8 टेबल स्पून आपने जो है वो शुगर लेनी होती है, ठीक है, 8 टेबल स्पून आपने जो है वो शुगर लेनी होती है। तो 1 लीटर पानी में 1 टेबल सॉल्ट आपने 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट डालना है, और 8 टेबल स्पून आपने शुगर डालनी है। जब ये आप डाल लोगे तो आपके घर बना हुआ ORS जो है आपको मिल जाएगा, और आपने वो बच्चे को पिला देना, ठीक हो गया। और वो जो वो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स वैसे क्या होते हैं जो हम जो है वो ORS ऑलरेडी बना होता है उसमें क्या क्या होता है, ठीक हो गया। तो आपके पास तो है वो दो तरह के ORS होते हैं, एक आपका जो है ORS बाइकार्बोनेट होता है, और दूसरा आपका जो है ORS सिट्रेट होता है, ठीक है। अब जो बाइकार्बोनेट और सिट्रेट में कॉमन चीज़ें होती हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ग्लूकोज होता है इनमें दोनों के अंदर 20 ग्राम्स, ठीक है। दूसरी इनके अंदर होती है KCL, और KCL दोनों में जो है वो इक्वल होता है 1.5 ग्राम्स, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम्स, ठीक है, और दोनों में हमारे पास इक्वल सोडियम क्लोराइड होता है जो कि हमारे पास होता है 3.5 ग्राम्स, ठीक है। और पानी जो हमारे पास होता है वो वाटर तो वैसे ही आपको पता है 1 लीटर होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बाइकार्बोनेट वाले में भी सेम है, कॉमन है कि ग्लूकोज 20 ग्राम्स, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम्स एंड 1 लीटर पानी, ठीक हो गया। ये हमारे पास सिट्रेट में भी सेम है, और हमारे पास जो है बाइकार्बोनेट में भी सेम है। डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर, जो हमारे पास बाइकार्बोनेट वाला होता है उसमें हमारे पास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट वाले में हमारे पास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और जो हमारे पास होती है दूसरी हमारे पास, ठीक है, सिट्रेट वाला जो हमारे पास होता है ORS उसमें होता है ट्राई सोडियम सिट्रेट, ठीक है, ट्राई सोडियम सिट्रेट, ठीक है। अब जो हमारे पास इनमें डोजेस का भी फ़र्क आ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाले में जो है 2.5 ग्राम्स इसकी अमाउंट होती है, और जो ट्राई सोडियम सिट्रेट होती है उसका जो हमारे पास अमाउंट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है 2.9 ग्राम्स, ठीक हो गया। बाकी ग्लूकोज, वाटर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड सब में सेम अमाउंट है, सिर्फ ये डिफरेंस है इन दोनों में कि सोडियम बाइकार्बोनेट में 2.5 ग्राम्स ये ऐड होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो सिट्रेट वाला है उसमें ट्राई सोडियम सिट्रेट होगा वो होगा 2.9 ग्राम्स, ठीक हो गया। सो ये आपके पास आता है क्वेश्चन के डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ORS और विच इज़ बेटर वन। तो आपने याद रखना है आपका जो ये वाला होता है ना ट्राई सोडियम सिट्रेट ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है वो भी आपसे पूछते हैं। इस वजह से अच्छा होता है क्योंकि ये जो है हमारी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर जो है वो डायरेक्टली ज़्यादा कर देती है, ठीक है। ये हमारे इंटेस्टाइन में जाती है सिट्रेट, और जो है वाटर और सॉल्ट की जो है रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देती है डायरेक्टली जाके। और हमें जो है डिहाइड्रेशन में यही चाहिए होता है ना कि हमारी बॉडी में जो है सोडियम और वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये इसका जो है वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा ORS होता है। फिर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 ईयर्स ओल्ड बच्चा है, उसको डायरिया है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो आप जो है मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायरिया, ठीक है। अगर तो उसे माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया है फिर आप क्या करोगे, ठीक है, और अगर उसे जो है वो सीवियर डायरिया है तो फिर आप क्या करोगे, ठीक हो गया। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि जो माइल्ड डायरिया होता है ना उसको आप किससे ट्रीट करोगे, ORT से। ORT में क्या था मैंने आपको बताया था, ORS होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, और वीनिंग होती है, ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास होती है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। लेकिन इसमें जो आपने चीज़ें याद रखनी है वो आपने इस तरह से याद रखनी है कि अगर तो 2 साल से कम का बच्चा है, ठीक है, 2 साल से छोटा बच्चा है, ठीक है, 2 साल से छोटा बच्चा है, तब आपने क्या कितना देना है ओरएस। अगर 2 से 10 साल का बच्चा है तब आपने कितना देना है, और अगर 10 साल से ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो फिर आपने कितना ओआरएस देना है, ठीक हो गया। अब जो 2 साल से छोटा बच्चा है उसको आपने कितना देना है, 50 to 100 ml ओआरएस देना है, ठीक है, 100 ml। और आपके पास जो 2 से 10 साल के बच्चे होते हैं उसको उनको आपने जो है वो 100 to 200 ml देना है, ठीक है। और जो हमारे पास 10 साल से ज़्यादा वाले बच्चे होते हैं उनको आपने जितना उनको चाहिए उतना देना है, मीन्स दैट जब उनकी डायरिया जो है मतलब उनकी डिहाइड्रेशन पूरी हो जाए तब तक उनको आपने देना है। तो ये आपके पास ये ड्यूरेशन होती है जिसमें आपने डायरिया को ट्रीट करना होता है। अगर तो बच्चा जो है वो वॉमिटिंग कर देता है तो आपने 10 मिनट तक इंतज़ार करना है, ठीक है, 10 मिनट बाद आपने दोबारा से उसे जो है आहिस्ता आहिस्ता ORS देना शुरू करना है ताकि उसकी डिमांड पूरी हो। ये नहीं है उसने वॉमिटिंग कर दिया तो अब जो है ना आप उसको देना ही छोड़ दो, 10 मिनट बाद इंतज़ार करके दोबारा देना है, ठीक हो गया। उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग और वीनिंग तो आपकी चलती रहेगी। फिर आ जाती है उसके बाद जब आपने ORS दे के उसको फारिग कर दिया, उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी भी होती है माइल्ड डायरिया की, ठीक है। वो क्या होती है कि मदर को आपने कहना है कि रोज़ाना आपने पर डे, ठीक है, रोज़ाना जो है आपने 100 ml ORS इसको देते रहना है, ठीक है। मेंटेनेंस थेरेपी में क्या है, 100 ml, ठीक है, 100 ml आपने रोज़ाना जो है ORS इसको पर kg बॉडी वेट जो है वो देना है, ठीक है, जितना kg का होगा बच्चा उतना, ठीक है, उसके मुताबिक 100 ml देना है। फिर एंटीबायोटिक्स भी आप इसमें देते हो, और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपने याद रखनी है, जो माइल्ड डायरिया के होती हैं वो आपने इस तरह से याद रखनी है, क्यू सेट, ठीक है, क्यू सेट मींस के क्यू फॉर क्विनोलोन्स, एस फॉर सेप्ट्रॉन, ई फॉर एरिथ्रोमाइसिन एंड टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन की डोजेस क्या हैं कि जो अडल्ट्स हैं उनको आपने जो है 3 दिन के लिए जो है वो देनी है टेट्रासाइक्लिन हर 6 घंटे में, ठीक है, 500 mg। डोजेज आपने याद करने हैं, कर लें नहीं करने ना करें, बस एंटीबायोटिक्स के नाम याद रख लें। और जो बच्चे हैं उनको आपने 3 दिन के लिए जो है हर 6 घंटे जो है 12.5 mg पर kg देनी है, ठीक है। एडल्ट्स के लिए कितनी डोज है, 500 mg, ठीक है, और जो बच्चे हैं उनके लिए है 12.5 mg, ठीक है, पर kg बॉडी वेट, 3 दिन के लिए दोनों को देनी है हर 6 घंटे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर स्वियर डायरिया, तो स्वियर डायरिया मैंने आपको दिखा दिया था क्या है, अब दोबारा वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन देना है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपने जो है वो सलाइन दे देनी है, ठीक है, 0.9% जो होती है, और जो हमारे पास होती है सलाइन, नॉर्मल सलाइन वो आपने देनी है। अगर वो भी नहीं है तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब दे देनी है, ठीक हो गया। सो ये आपके पास था, आपके पास क्या नाम है चैप्टर IMNCI का, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इसमें से जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि IMNCI स्टैंड्स फॉर व्हाट, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे से आपने डायरिया के बारे में ईच एंड एवरी थिंग याद रखनी है, बिकॉज वाइवा में भी ऑस्पी में वगैरह वगैरह बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो हैं वो उनकी कौन कौन से होते हैं और उनको आप कैसे मैनेज करते हो, ठीक हो गया। उसके बाद आपको आना चाहिए KG आपके पास आ जाता है, ORS जो है वो आप घर में कैसे बनाते हो, ठीक हो गया, और ORS और ORT में क्या डिफरेंस होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ORS की कॉम्पोजिशन क्या होती है, और अगर आपके पास बच्चा आ जाता है डायरिया का तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया को कैसे मैनेज करोगे, मेंटेनेंस थेरेपी क्या दोगे, एंटीबायोटिक्स क्या दोगे, और सीवियर डायरिया को कैसे मैनेज करोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट